नमस्कार मित्रों, स्वागत है बधा मित्रों मारी यूट्यूब चेनल में। हूँ छु आपनो मित्र भावी वघासिया। तो मित्रों, खास करीने आ वीडियोना माध्यमथी आपणे वात करवानी छे हालनी सक्रिय सिस्टमोनी स्थिति शुं छे अने आजथी 25 ऑक्टोबर दरमियान गुजरातनुं वातावरण केवुं रही शके छे, संपूर्ण माहिती आ वीडियोमां जाणीशुं। ते पहेला चेनलना जे पण मित्रों नवा होय ते चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो अने वीडियोने लाइक करीने शेर करवानुं भूलशो नहीं। तो मित्रों, खास करीने हालनी सक्रिय सिस्टमोनी स्थिति जोवा जोईए तो बंगाल की खाड़ी भागों में जो लो प्रेशर सीस्टम थी हजी लो प्रेशर सीस्टम जी रही है। आ सीस्टम आगामी 24 कलाक अंदर वधु मजबूत बनी वेलमार्क लो प्रेशर और त्यारबाद 12 कलाक अंदर वधु मजबूत बनी डिप्रेशन में फेरवाई तेवी शक्यताओ देखाई रही है। जो बंगाल की खाड़ी वाली सीस्टम है डिप्रेशन थी मजबूत है, वावाजोड़ा लेवल सुधी जवानी शक्यताओ देखाई रही है। परंतु आ सीस्टम गुजरात ने असर करता रहेवानी नथी। सीस्टम खास कर पश्चिम बंगाल ने लागू बांग्लादेश भागों तरफ कर्व लईने जवानी शक्यताओ अत्यारनी स्थिति प्रमाणे देखाय रही छे। तो खास करीने अरबी समुद्रनी सीस्टम विशे वात करीए तो गई काले जे डिप्रेशन सीस्टम हती ते आजे वहेली सवारे वावाजोड़ानुं स्वरूप धारण करी लीधुं छे अने बंगाळनी खाड़ीमां जे सीस्टम छे त्यारबाद अरबी समुद्रमां पण सीस्टम जोवा मळी रही छे। तो बंने समुद्रमां एक साथे सीस्टम जोवा मळी रही छे त्यारे अरबी समुद्रनी सीस्टमे वावाजोड़ानुं स्वरूप धारण करी लीधुं छे अने आखरे अरबी समुद्रमां वावाजोडू तेज बनी गयु छे। तो आ सीस्टम ने वावाजोडू तेज नाम आपवामां आव्युं छे अने जे हाल साइक्लोन बन्युं छे अरबी समुद्रमां ते हजी पण आवती 24 कलाकनी अंदर वधु मजबूत बनी अने सेवर साइक्लोन स्टॉर्म बनवानी शक्यताओ रहेली छे। अने त्यार बादनी 24 कलाक एटले के 23 तारीखे आ सीस्टम अत्यंत विकराळ स्वरूप धारण करी अने एक्स्ट्रीम सेवर साइक्लोन स्टॉर्म बनवानी शक्यताओ रहेली छे। अने आ एक्स्ट्रीम सेवर साइक्लोन स्टॉर्म बनशे त्यारे 150-200 किलोमीटर नी झड़पे पवन फूंकाई शके छे। मतलब के सीस्टम जेम ओमान तरफ जई रही छे तेम तेम वधु तीव्र थई जई रही छे। एटले हालनी स्थिति प्रमाणे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा तरफ आ सीस्टम गति करी रही छे अने संभवित ओमान अने यमनना कांठा नजीक आ सीस्टम टकरावानी शक्यताओ देखाय रही छे अने त्यारे आ सीस्टम अत्यंत मजबूत पण होई शके छे। तो हालनी स्थिति प्रमाणे आ वावाजोडुं छे ते पण सीधी रीते गुजरातने खास कोई असर करता रहेवानी शक्यताओ देखाती नथी। तो आ तो थई सक्रिय सिस्टमोनी स्थिति। तो 21 થી 25 તારીખ દરમિયાન ગુજરાતનું વાતાવરણ કેવું રહી શકે છે તે વિશેની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને 21 થી 25 તારીખ દરમિયાન મિડ લેવલના ભાગોમાં થોડી સામાન્ય અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। મિડ લેવલમાં ભેજનું પ્રમાણમાં પણ વધારો થતો નજરે પડી રહ્યો છે, જેને કારણે ગુજરાતના ભાગોમાં એમાં પણ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્યપૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં સામાન્ય અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળી શકે છે અને અમુક વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે। તો અમુક વિસ્તારમાં સામાન્ય છાટાછૂટી પણ આ તારીખો દરમિયાન જોવા મળી જાય, એટલે ખેડૂત મિત્રોએ થોડી સાવચેતી રાખવી 21-25 તારીખ દરમિયાન। અને ખાસ કોઈ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ નથી દેખાતી, પરંતુ સામાન્ય છાટાછૂટી કે અમુક સીમિત વિસ્તારમાં માવઠાની શક્યતાઓને બાદ કરતાં વરસાદની ગતિવિધિ ના બરાબર રહેવાની શક્યતા અત્યારની સ્થિતિ પ્રમાણે લાગી રહી છે। પરંતુ મિડ લેવલની અસ્થિરતા છે, જેને કારણે ખેડૂત મિત્રોએ સાવચેતી રાખવી, અત્યારે ખેતી કાર્યો કરવાનો સમય છે, કારણ કે અત્યારે મગફળી અને સોયાબીનના પાકની કાપણી ચાલી રહી છે। આ સમયગાળા દરમિયાન ક્યાંક સામાન્ય છાટાછૂટી પણ નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે, એટલે ખેડૂત મિત્રોએ થોડી સાવચેતી રાખવી, બાકી કોઈ ખાસ મોટી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી નથી। આભાર।